बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल होता जा रहा है। ताकतवर हलकों की जानिब से ग्रैंड डायलॉग का मामला भी अपोजिशन के इनकार के बाद डेडलॉक का शिकार हो गया है और लगता ही है कि अपोजिशन खान साहब को घर भेजने से कम किसी बात पर राजी नहीं। अपोजिशन ने खान साहब को इक्तदार छोड़ने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी है, जिसका मतलब यह है कि अपोजिशन फरवरी में हर सूरत लॉन्ग मार्च या धरने को यकीनी बनाना चाहती है। अगर खान साहब ने इस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च और धरने का मामला आगे बढ़ेगा। तो सियासी सूरत हाल का बारीक बीरी से जायजा लिया जाए तो ये बात खुलकर सामने आ रही है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपनी अपनी पोजिशन पर खड़े हैं और महाजराई में कमी लाने के लिए जो ताकतें मुतहरक हुई थी उन्हें अभी तक अपने मकासद में कोई वाजिया कामयाबी नहीं हुई। मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से मुलाकात और मरियम नवाज की जानिब से मुजाकरात ना करने के वाजिया मौकफ ने सूरत हाल को वही पहुंचा दिया है जहां ग्रैंड डायलॉग और सेनेट के कबल अज वक्त इंतबात जैसे कार्ड इस्तेमाल करने से कबल थी, तो दोनों कार्ड फेल हो चुके हैं। अपोजिशन को तोड़ने और झुकाने में कोई कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ यह भी लगता है कि सेनेट के इंतबात कबल अज वक्त कराने का प्लान मुकम्मल तौर पर फेल हो गया। दूसरी तरफ यह भी लगता है कि अब सेनेट के इंतबात अपने वक्त पर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें जो अपोजिशन में है वो भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने पर आमादा नजर आती हैं, खासकर पीपल पार्टी। लेकिन अब अगर सेनेट के इंतबात अपने वक्त पर हो भी जाए तो अपोजिशन उससे पहले अपनी डेडलाइन मीट कर चुकी होगी। यानी तो लाड़काना में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब के मौके पर आसिफ अली जरदारी के एक खिताब ने सियासी सूरत हाल को घुमा कर रख दिया है और बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि पीपल पार्टी इस्तीफों और धरनों का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि हुकूमत इतनी कमजोर हो चुकी है कि मजीद चल नहीं सकती, अपने ही बोझ से गिर जाएगी। आसिफ अली जरदारी के मुताबिक हुकूमत निकालने का तरीकेकार बदलना होगा, जिसका मतलब यह भी लिया जा सकता है कि इस्तीफों से हुकूमत को गिराने से ज्यादा किसी और फार्मूले से हुकूमत को घर भेजने के फार्मूले पर गौर किया जा रहा है। शायद उनका ख्याल यह है कि पार्लियामेंट मौजूद रहे और कोई तब्दीली आ जाए। उन्होंने मुशर्रफ को घर भेजने का हवाला दिया तो मुशर्रफ के ईवाने इख्तदार से रुख्सत होने के बाद भी पीपल पार्टी की हुकूमत कायम और दायम रही, तो इसी तरह वो इमरान खान को हुकूमत से निकालने के ख्वाब देख रहे हैं और वो समझते ये है कि पार्लियामेंट तोड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। मेरे दोस्तों, इनसे पाकिस्तान चल नहीं रहा और चलेगा भी नहीं, ये आज मेरा दावा है। आप देख लीजिएगा कि ये पाकिस्तान नहीं चला सकते, ये मुल्क चलाने वाले नहीं है, ये क्रिकेट टीम चलाने वाले हैं। मुल्क चलाने के लिए कुछ और गुर चाहिए, मुल्क चलाने के लिए कुछ और सोच चाहिए, इनको वो सोच नहीं है। मैंने खुद ANP को और सारे दोस्तों को अपने साथ मिला के, जो कि हमारे मुखालिफ थे उनको भी अपने साथ मिला के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा मुकम्मल किया। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी फिक्र न करें, इनका वक्त थोड़ा है, ये चल नहीं सकते, ये अपने जोर से खुद गिरेंगे। मैंने पहले दिन असेंबली में इनको कहा कि या मुल्क चला लो या नैब चला लो, मगर इसलिए नहीं कहा कि मुझे कोई नैब से डर है। मैंने पहले भी 14 साल जेल काटी है, मुझे जेलों से फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है कि ये जो इनने ब्लैक मार्केट शुरू की हुई है नैब ने, और जो बिजनेसमैनों के वारंट निकाल रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे थे जो हमारे मुखालिफ थे, मगर हमने किसी को आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कोई ऐसा नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक भी सियासी कैदी था, हमने एक सियासी कैदी पे नहीं रखा। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कोई आग पीछे देखें, किसी का मुकाबला करें, कोई उनसे जवाब लें। तो आसिफ जरदारी के खिताब को सुनकर ये लगता है कि वो हुकूमत को घर भेजने का क्रेडिट किसी और को देने की बजाय खुद लेना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी ये समझते हैं कि चूंकि उनका स्टेक बहुत बड़ा है
उनकी पार्टी से कुर्बानी की ज्यादा तोको की जा रही है। पूरी सिंध हुकूमत अगर इस्तीफा देती है तो यकीनी तौर पर पीडीएम की तमाम जमातें जो पीडीएम में शामिल है उनमें एक हुकूमत की कुर्बानी ज्यादा बड़ी समझी जाती है, तो फिर तब्दीली का मुहर्रक उन्हें ही समझा जाए। तो जरदारी साहब का ख्याल ये है कि लोग अगर सिर्फ सड़कों पर निकल आए और जेलें भर दें, गिरफ्तारियां दें, तो ना इस्तीफों की जरूरत पड़ेगी ना धरनों की जरूरत होगी। एहतजाजी तहरीक और गिरफ्तारियों से मंजर बदल सकता है। तो पीडीएम की जानिब से जरदारी साहब की तजवीज पर कोई वाजिया रद्द अमल सामने नहीं आया और ख्याल ये किया जा रहा है कि जरदारी साहब ने यह तकरीर जियालो के लिए की है। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जियालो की बड़ी तादाद मौजूद थी और आसिफ अली जरदारी साहब का खिताब उनके लिए था, जो ये समझते हैं कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं और जोड़ तोड़ के बादशाह हैं और हुकूमतें गिराने और बनाने के बादशाह हैं। तो वो ये समझे कि पीडीएम जो कुछ कर रही है वो जरदारी साहब की मरहून मिन्नत है। इसके बरक्स अगर बिलाल भुट्टो का खिताब देखा जाए तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए 31 जनवरी की बाकायदा डेडलाइन दी है। तो उनकी तकरीर वही है जो पीडीएम का बुनियादी एजेंडा है। बिलावल की तकरीर जियालो को खुश करने से ज्यादा अपोजिशन के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक नजर आई। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो लॉन्ग मार्च होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो। जब मैं लॉन्ग मार्च का कॉल देता हूँ तो आप दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाकर निकल पड़ेंगे। तो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समझते हैं कि अगर हा साहब ने 31 जनवरी तक इस्तीफा ना दिया तो फिर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब इसमें इस्तीफों का मामला और धरने का मामला, ये वो दो मामला थे जिन पर पीपल पार्टी इस वक्त इत्तफाक नहीं कर रही बजाहिर, लेकिन बाकी तमाम फैसलों के हवाले से जो कि पीडीएम ने किए हैं वो तमाम फैसलों पर पीपल पार्टी इत्तफाक कर चुकी है। अपोजिशन की जानिब से इस्तीफे जमा कराने के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई जिसमें एक दो रोज बाकी रह गए हैं। तो ज़राए ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के अरकान कौमी असम्बली बड़ी तादाद में इस्तीफे क़यादत को जमा करा चुके हैं, यानी जो नेशनल असम्बली के अरकान हैं, हा वो पीपल पार्टी के, हा वो मुस्लिम लीग नून के या फिर बाकी जमातों के, तो उन सब के इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को पहुंच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के भी 95% इस्तीफे अपनी क़यादत को पहुंच चुके हैं, वो कौमी असम्बली के भी इस्तीफे शामिल हैं और सूबाई असम्बली के भी शामिल हैं। पीपल पार्टी के भी तमाम इस्तीफे जो कौमी असम्बली के हैं वो जरा ये कहते हैं कि पहुंच चुके हैं, सिर्फ सूबाई असम्बली के इस्तीफे आना बाकी है। तो 31 दिसंबर तक अगर तमाम अरकान असम्बली ने इस्तीफे जमा करा दिए और खासकर पीपल पार्टी के सूबाई अरकान असम्बली ने, तो फिर इसे पीडीएम की या अपोजिशन की एक बड़ी कामयाबी समझा जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत भी इस इंतजार में बैठ गई है कि कौन से अरकान असम्बली अपनी क्यादत से बगावत करते हैं, यानी वो अरकान असम्बली जो इस्तीफे जमा नहीं कराते, तो फिर उन अरकान का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में उनकी मदद की जाएगी ताकि अपोजिशन को कमजोर किया जा सके। इसके अलावा जो अहम बात हुई वो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का लाड़काना में खिताब था। यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, इसे बहुत बड़ा चैप्टर समझा जा रहा है। कई सालों तक ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की बहुत बड़ी हरीफ रही हैं। वो आज जमहूरियत के नाम पर और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद के नाम पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी नजर आती हैं। एक शख्स अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला नाकाम है, हारा हुआ है, इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए। खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो NRO की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था NRO नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था NRO नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने NRO दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। और एक पेज एक पेज एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो।
जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब आटा 90 रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब LNG पर ये 122 अरब का डाका डालता है, LNG को टाइम पर सस्ती LNG नहीं मंगवाता और आपको जब महंगी LNG मिलती है, आपके घरों में जब गैस की शॉर्टेज होती है और चूल्हे नहीं जलते, और जब अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। तो लगता है यूं कि अपोजिशन की एक हिकमत अमली ये भी है कि खास साहब को सियासी तौर पर आइसोलेट किया जाए, तनह किया जाए। उनके एक इत्तेहादी अख्तर मैंगल हुकूमत से अलग हो चुके हैं जबकि बाकी इत्तेहादी भी शिकवा करते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो मुकाबला जो है वो बहुत ही हद तक बड़ा वाज तौर पर नजर आता है कि खास साहब को पोलिटिकल तौर पर किस तरह सियासी तौर पर तरह किया जा रहा है, और अपोजिशन ये कोशिश कर रही है कि घेर घार के खास साहब को किसी तरह इस पोजिशन में लाया जाए जहां वो खुद अपनी कुर्बानी दे दें या फिर उनकी कुर्बानी ली जाए। अब हुकूमत इस पर कितना तैयार होती है या क्या हुक्मरान जमात इस नैरेटिव को बाय करेगी, इस थ्योरी को बाय करेगी कि माइनस इमरान खान हुकूमत चला सके, तो ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी पीडीएम के एजेंडे और तहरीक के हवाले से बात की और उन्होंने क्या कहा। इन हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली है, झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना, पहले कहा गया था फजलुर रहमान को नोटिस दिया गया, पर अब तक नोटिस नहीं है। अब कह रहे हैं कि फजलुर रहमान को सवाला में भेजा गया है, अब तक मुझे सवाला में नहीं पहुंचा। मैं आओ ग्राउंड पे बताओ कौन सी जगह है, मुझे भी वो बंगले बता दो जिसको मुझे भी पता चले कि वही मेरा है जी, मुझे भी वो ज़मीन बता दो कि जिसको मैं समझूँ कि मेरा है जी। और ये तो किरदार खुशी के अलावा कुछ नहीं है। मौलाना साहब आपकी जीने को संभालते संभालते आपके 4-7 खो गए इसके बारे में, इसके हम आदि हैं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह होता रहता है। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी, ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती खसारा 33% बढ़ गया, हुकूमती अखराजात में भी 13% इजाफा हो गया जबकि बरामदात 7% कम हो गई है। वजारत खजाना के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारा 33.5 यानी 33% बढ़ गया है और ये खसारा बढ़कर 564 अरब रुपए से बढ़कर 753 अरब पर पहुंच गया है। ये वो हुकूमती दावे हैं जो कि मालियाती करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से पिछले कई दिनों में किए जा रहे थे कि मालियाती खसारा कम किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3-4 माह में ये खसारा दोबारा बढ़कर 753 अरब पे पहुंच गया है। हुकूमत ने पिछले 5 माह में अपने खर्चात में 13% इजाफा कर दिया, तो सादगी का दर्ज देने वाली हुकूमत और करंट अकाउंट खसारे में कमी पर कामयाबी के डंके बजाने वाले क्या ये बता सकते हैं कि अब सादगी कहां गई। हाँ सर, तो बड़े दावे करते थे कि सादगी, हमने बड़े अखराजात कम किए और किए जा रहे हैं, इन हालात में जब काम काज है नहीं, हुकूमत ऐसे कौन से काम कर रही है कि अखराजात में 13.5% इजाफा हो गया है। पिछले कई दिनों से, कई माह से कोरोना चल रहा है और वो भी इन हालात में कि कोरोना की वजह से आधे सरकारी दफ्तर खाली पड़े हुए हैं, लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वजारतें भी पूरी तरह एफिशिएंट नहीं है, ब्यूरोक्रेसी वैसे ही काम नहीं कर रही, तो उसके बावजूद आपका ये किस तरह हुकूमती खराजात बढ़ गए। और फिर करंट अकाउंट खसारा, ऐसी कौन सी चीजें इंपोर्ट की जा रही है कि जो बढ़ गया, तो खास साहब अपने दौर हुकूमत में तकरीबन 14-15 हजार अरब रुपए कर्ज भी ले चुके हैं, सर्कुलर डेट 2300 अरब रुपए से ऊपर निकल गया है। महंगाई और करेंसी के मामला इतने बुरे हैं कि खित्ते में हमसे बुरा कोई नहीं है, महंगाई भी हमारे सबसे ज्यादा है
और करेंसी भी हमारे सबसे ज्यादा डीवैल्यू हो चुकी है। हत्ता के अफगानिस्तान जहां कई साल जंग रही, जिनके हाँ खाने के लाले पड़े हुए थे, उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर है। तो निगाहें उनको ढूंढ रही है जो हुकूमत की सादगी का दर्ज देते और करंट अकाउंट खसारा कम करने के दावे करते हुए नहीं थकते थे। आगे बढ़ते और गुफ्तगू कर रहे जनरल रिटायर्ड एजाज ऐवान, सवाल अवाम का भी देखते हैं कि वो किस मौजू पर बात कर रहे हैं और पॉलिटिकल मामला के ऊपर उनका तजिया क्या है। साहब फिर ये लॉन्ग मार्च करेंगे, अभी लॉन्ग बार बार ये सवाल उठता है कि ये लॉन्ग मार्च भी करें, एहतजाज करें, इस्लामाबाद पहुंच भी जाएं, तो क्या इमरान खान साहब की हुकूमत पर वाकई इतना दबाव पड़ सकता है कि वो इस्तीफा दें और घर चले जाएं? पीडीएम की तहरीक इस पोजीशन में है? थैंक यू वेरी मच मसूद रजा, मेरे ख्याल में आपको भी पता है और पूरी कौम भी जानती है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी ऐसी कोई नहीं है कि किसी लॉन्ग मार्च या धरने की वजह से, और न ही इस मुल्क की तारीख ऐसी है कि लॉन्ग मार्च और धरने की वजह से एक जमहूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसने 17 मिलियन वोट लिया हो वो घर चली जाए। तो अगर 1,72,00,000 लोगों ने वोट दिया है इमरान खान को, तो उनके सपोर्टर्स तो अभी तक गलियों में आए ही नहीं और वो बेहतर है ना ही आए। बात यह है कि इस तरह से कोई तब्दीली आने वाली है नहीं, ये तो है और आज आपने पीडीएम की जो एक स्ट्रेटजी बयान की है, आपने पहले अपने इब्तदाइये में 20 साल की तारीख की बात की थी, मैं आप तीनों से उम्र में बड़ा हूं और 50 बरस की बात करता हूं, जब जुल्फकार अली भुट्टो ने इंतखाबात हुए थे और शेख मुजीबुर रहमान के, तो उस वक्त से अपोजिशन जो है वो रिजल्ट को तस्लीम नहीं करती और अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हुए बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क भी 2,00,000 हुआ और उससे लेके आज तक हमने हर प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुआ है उसको घर भेजने की बात सुनी है अपोजिशन से, कभी मिल बैठ के हुकूमत करने की बात नहीं सुनी। देखिए बड़ी माजत के साथ जब सियासी जमातें मफामत कर लेती हैं, मफामत करके चलती हैं, तो ये प्रोपोगंडा किया जाता है कि मुकमुका हो गया, स्टेटस को हो गया और फिर तीसरी सियासी जमात मैदान में उतार दी जाती है। भुट्टो साहब पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो अकलियत में होने के बावजूद अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे मुल्क टूट गया, जबकि इसके पीछे बरसों की तारीख है और वो सलूक है जिसकी वजह से मुल्क 2,00,000 हुआ। जब तक पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में लड़ती रही, गुत्थम गुत्था रही, एक दूसरे की ऐसी तैसी फेरती रही, तो किसी को तीसरी सियासी जमात बनाने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि सियासतदान खुद ही एक दूसरे को इतना गंदा कर रहे थे, इतना बुरा भला कह रहे थे कि वो तारीख का एक बहुत ही तारीख दौर समझा जाता है। जब दोनों सियासी जमातों को इस बात की समझ आ गई कि उनकी आपस की लड़ाई तो है नहीं, इसका फायदा कोई और उठा रहा है, तो फिर पीपल पार्टी के दौर में मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में चली गई और मुस्लिम लीग नून के दौर में पीपल पार्टी अपोजिशन में बैठी रही, तो यह शोर मचा दिया गया कि इन्होंने मुकमुका कर लिया, बारियां लगा ली। तो यह नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि सियासी जमातें अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करती। देखिए पीपल पार्टी भी जब इख्तदार में आई थी तो उन्हें भी मिलियंस वोट मिले थे, लेकिन उनकी गवर्नेंस फेल हो गई, हुकूमत फेल हो गई, तो लोगों ने अपनी राय बदल ली। अगर वो राय, अगर लोग उनके साथ होते तो अगले इलेक्शन में वो जीत जाते। तो ये जरूरी नहीं होता कि जिस जमात को जितने वोट मिले हो वो हमेशा उनके साथ ही रहे। मुस्लिम लीग नून भी जीत गई थी 2018 में, जब ये पता लग गया कि नवाज शरीफ हुकूमत आगे भी कामयाब हो जाएगी और इलेक्शन जीत जाएगी, तो फिर एक नई पार्टी को हुकूमत थमा दी गई, जबकि वो तैयार भी नहीं थी। तो 2.5 साल बाद हाँ साहब के अरूज का सितारा भी वो नहीं है जो 2.5-3 साल पहले था जब हुकूमत में आए थे, बड़े अरूज पर थे। अब उनकी भी साख काफी मुतासर हुई है, उनकी भी गवर्नेंस फेल हुई है, उनके वोटर भी मायूस है। तो अगर किसी को यह गुमान है कि कारकर्दगी की बिना पर खास साहब का वोटर सपोर्टर उनके साथ है, तो वो किसी खुशफहमी में मुबतला है। पूरी सरकारी मशीनरी के साथ भी हुकूमत ने 2-4 जलसे करके देख लिया कि अपोजिशन के जलसे की तादाद में वो आधे लोग भी जमा नहीं कर सके। तो हकायक वो नहीं जो बयान किए जाते हैं। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रहे हैं शाद भट्टी, उनका तजिया देखते हैं कि क्या अपोजिशन की तहरीक के दूसरे मरहले में अपोजिशन कहां खड़ी है और इन फ्यूचर वो क्या कर सकती है। वॉच अरशाद भट्टी, लग रहा है कि जिस इंटेंसिटी बढ़ाने का जिक्र किया था पीडीएम ने सेकंड फेज में, वो इंटेंसिटी नजर आ रही है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही।
उसकी वजह यह है कि मोमेंटम टूट गया है। पीपल्स पार्टी ने आज कह दिया है कि वो सेनेट इलेक्शन भी लड़ेगी, जिमनी इंतखाबात भी लड़ेगी। इसके अलावा लॉन्ग मार्च पे सारे मुत्तफिक हैं, लेकिन लॉन्ग मार्च से वो क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च करेंगे आ जाएंगे, धरनों पर कोई मुत्तफिक नहीं है, इस्तीफों पर कोई मुत्तफिक नहीं है। और ये जो डेड लाइने हैं, ये बिलावल भुट्टो साहब की, मैं हैरान होता हूँ कि ये जमहूरी हुकूमत को डेड लाइने क्यों दे रहे हैं। यानी आप ताकत के जोर पर, जत्थों के जोर पर आप चाहते हैं कि आप हुकूमत खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए? नहीं होनी चाहिए हुकूमत खत्म। दूसरी बात है मरियम नवाज साहबा की, कि फौज इस हुकूमत के पीछे से हट जाए और हमारे पीछे आके खड़ी हो जाए। ये क्या तो कोई भाई, जब जनरल शरीफ रात को बुलाकर ताहिरुल कादरी और इमरान खान को बुलाकर नवाज शरीफ साहब की दरखास्त पर मसालतें करवा रहे थे, उस वक्त फौज ठीक थी। आज अगर फौज इस हुकूमत के साथ है तो फौज गलत है। कल आपकी हुकूमत आएगी, फौज आपके साथ होगी। तो ये झूठ है, फंसी हुई टेपें हैं, एक जगह रुकी हुई चीजें हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ प्रोग्राम है, और इसमें अकेले भी एक मरतबा फिर बेचारे मौलाना साहब रह गए। ये सारे हैंड कर गए उनके साथ अपने अपने चक्रों में, और ये हैंड कर गए। अब कुछ भी नहीं है, जलसे होंगे, जलूस होंगी, रैलियां होंगी, बड़के होंगे, नारे होंगे, ख्याल में इंटेंसिटी नहीं बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है मुनीफ साहब? ये इस फेज में इंटेंसिटी बढ़ानी थी, लेकिन सडन। कभी कहते हैं कि गैब का इल्म होता तो तब्दीली सरकार की कभी हमायत ना करते, हा साहब को सपोर्ट ना करते। आज ये फरमा रहे हैं कि अपोजिशन नाकाम होगी, तो सवाल ये है क्या क्या अब गैब का इल्म होना शुरू हो गया है? और ये पता चल गया कि अपोजिशन आगे चल के नाकाम होगी, आगे कुछ नहीं होगा। अगर कल आपको गैब का इल्म नहीं था तो आज गैब का इल्म अचानक कहां से आ गया? अपोजिशन ने जब बड़े बड़े जलसे शुरू किए तो यही दानिश्वर हुकूमत पर चढ़ाई कर रहे थे, हालात बदलते हुए देख रहे थे। अब जरा फिल्म में वक्फा आया है तो इन्हें यह लगता है कि फिल्म तो खत्म हो गई है, जबकि कहने वाले कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त, जिन लोगों का ख्याल ये है कि सियासत में वक्फा हो जाए या फिल्म में वफा आ जाए तो कहानी मुक जाती है, वो दरअसल बेसब्रे लोग हैं जिनमें पूरी फिल्म देखने की सकत नहीं, हौसला नहीं। और उनका ख्याल ये है कि क्लाइमेक्स सबसे पहले आ जाना चाहिए ताकि वक्त जाया ना हो। तो गुजारिश ये कि फिल्म हो या तहरीक हो, वो अपने वक्त पर ही शुरू होती है और अपने वक्त पर ही मुकम्मल होती है। और अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, और यह वो पिक्चर है जिसमें पहले खान साहब मुंतब हुकूमत को घर भेजने के लिए सड़कों पर आए थे, लोग उनकी खिदमत में हाथ बांध कर अर्ज किया करते थे, खास साहब मुंतब हुकूमत को ऐसे नहीं गिराया करते, वरना कल आपकी हुकूमत आएगी तो कल आपके साथ भी यही होगा। और आज वही कुछ उनके साथ हो रहा है। तो बेशक मैं इस बात पे कन्विंस हूं कि हुकूमतों को गैर जमहूरी तरीके से घर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन जो कुछ बोया है वो सियाने तो कहते रहे कि जो कुछ आप बोएंगे वो फसल तो काटनी पड़ेगी, वरना तारीख से लोग सबक कैसे हासिल करेंगे। यहां पर लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ रहे में इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और हुकूमत का वर्जन भी लेते हैं। उस्मान डार गुफ्तगू कर रहे हैं अपोजिशन के लॉन्ग मार्च, तहरीक और मौजूदा सियासी सूरत हाल के वाले से। वॉच उस्मान डार, देखें आदिल, आपको भी एआरवाई ने किसी अहलियत की वजह से यहाँ माशाल्लाह एक जिम्मेदारी दे रखी है। आपने भी एक अपना सीवी दिखाया होगा कि ये देखे आदिल अब्बासी ने लाइफ में ये अचीव किया है। इन दोनों बच्चों ने क्या अचीव किया है? वहां सवाए एक नवाज शरीफ की बेटी है और दूसरा आसफ अली जरदारी का बेटा है। मेरे लीडर ने 22 साल जद्दोजहद की, ये जिस अहलियत की बात करते हैं, शौकत आनम, एक होता सबूत है, एक एफर्ट, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताना, फिर नंबर जैसी यूनिवर्सिटी खड़ी करना, खैर वो लंबी फ्रेस्ट है, तो यही तो इनको तकलीफ है। मैं आज मरियम सफदर साहिबा के लहजे में वो कर्म देख रहा था जो महसूस कर रही है अंदर से, वो सिर्फ इसलिए कि आज ये लोग इख्तदार से बाहर हैं।
आज माजी में जिस तरह मुकमका हो जाता था, ये आपस में सेटल कर लेते थे, केसेस का मुकमका कर लेते थे, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एनआरओ नहीं दे रहा। आदिल, मैं कौन को बताना चाहता हूँ, यहाँ बैठे हैं कलाल चौधरी साहब, कलाल चौधरी साहब इंशाल्लाह ताला मेरा लीडर पहले तो कभी करप्शन नहीं करेगा, और अगर खुदा ना हास्ता अगर मेरा लीडर करप्शन के इल्जाम में कभी नहल हो गया, आप लोगों की तरह टीवी टॉक शोज में बैठ के अपनी करप्ट लीडरशिप का दफा नहीं करूंगा। मेरे भाई मियां नवाज शरीफ अपने केसेस में जेली जो ट्रस्ट डील लेके आए, कतरी हक लेके आए, कैलबरी फॉन्ड लेके आए, यही मरियम सफदर मैं कौन को याद दिलाना चाहता हूँ, कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं, और इनके भाई कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रॉपर्टी सारे अपार्टमेंट हमारी बहन के हैं। ये किरदार है इस खानदान का, ये तकलीफ बोलती है जलसों में कौ के इनको एक्सपोज किया मेरे लीडर ने। इसी तरह बिलावल सरदारी साहब को ले रहे, सरे महल को ले रहे, किस तरह गला फाड़ फाड़ के यही PMLM वाले उनकी करप्शन के किस्से कहानियां सुनाते थे, आज ये फौज की बात करते हैं। आप कौन को सुनाए मियां नवाज शरीफ क्या नारा लगाते थे, मर्दे मोमन मर्दे हक जियाउल हक जियाउल हक। ये था जितना जोर हुकूमत ने अपोजिशन को करप्ट करने पर या करप्ट साबित करने पर लगा रखा है, उससे आधी तवज्जो भी अगर गवर्नर्स पर दी होती तो आज अपोजिशन की जलसा गाय खाली होती और हम भी अपोजिशन की कोई बात ना कर रहे होते। 2.5 साल से गला फाड़ फाड़ कर आवाम को ये यकीन दिलाने की बजाय कि सबका हुक्मरान नाइल थे, थोड़ा सा काम अगर हुकूमत ने खुद भी कर लिया होता तो आज ना नहली के टप्पे लग रहे होते, ना वजीर आजम खान साहब को यह कहना पड़ता कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो एक तरफ तो ये फरमाते हैं कि नवाज शरीफ की स्टैब्लिशमेंट से कभी नहीं बनी, दूसरी तरफ ये दावा करते हैं कि वो स्टैब्लिशमेंट से बहुत करीब रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि इल्जाम लगाने वालों को खुद भी नहीं पता कि वो इल्जाम क्या लगाए। अब जियाउल हक मरहूम और जनरल मुशर्रफ के साथ रहने वाले लोग अगर इतने बुरे थे तो उनमें से तो आधे इस वक्त हुकूमत में है, जनरल मुशर्रफ दौर के वज़रा तो आज भी हुकूमत में वजीर हैं, फौजी आमरियत के दौर में हुकूमत में रहने वाले अगर जमहूरी अदवार में गालियों के हकदार हैं तो फिर उन्हें बड़ी बड़ी वजारतें क्यों दी गई हैं। तो मसला ये नहीं कि नवाज शरीफ जियाउल हक की पैदावार है या खास साहब की काबीना मुशर्रफ के साथियों से भरी पड़ी है, मसला सिर्फ ये है कि अगले का कुत्ता कुत्ता है और जब अपनी बारी आती है तो वही कुत्ता टामी बन जाता है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो अपने लीडर की नाइली का कभी दिफा नहीं करेंगे, वो तो आज भी अपनी जमात के उन लोगों का दिफा करते नहीं थकते जिन पर चीनी चोरी का इल्जाम है, जिन पर पेट्रोलियम में माल कमाने का इल्जाम है, जो लोगों की अद्वियात को महंगा करके उनको मौत के मुंह में धकेल चुके हैं और कोरोना की इमदाद तक खा गए। और एक और अब खबर है हुकूमत के लिए खासी बुरी खबर, वाकई दारकूमत के मेयर के बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन इस्लामाबाद के मेयर के लिए 3 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ, 69 वोट डाले गए और नतज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर आदल शाह गिलानी कामयाब हो गए, उन्हें 43 वोट मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सिटिंग गवर्नमेंट के जो उम्मीदवार थे मलिक साजिद वो दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 26 वोट मिले हैं और एक आजाद उम्मीदवार जहीर शाह थे वो भी तीसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस्लामाबाद में जो इंतहाबा हुआ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉलेज 80 लोगों का है जिसमें 50 यूसी चेयरमैन और 3 डिप्टी मेयर शामिल हैं। तो नून लीग के शेख अंसर की जानिब से वो इस्तीफा दिया था उन्होंने और उनके मुस्तफ़ी होने के बाद मेयर इस्लामाबाद की नशिस्त खाली हुई थी जिस पर अब दोबारा इलेक्शन हुए हैं और नया चेयरमैन भी जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया है। और नैब ने चौधरी शुगर मिल केस में साबिक रिजर्व नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी अस्मा नवाज को नैब ने शुगर मिल केस में इंक्लूड कर लिया है। नैब के मुताबिक नैब जराए कहते हैं कि अस्मा नवाज को उस वक्त भी माली फायदा मिलता रहा जब वो शुगर मिल यानी चौधरी शुगर मिल नुकसान में चलती रही थी। अस्मा नवाज को 2001 में चौधरी शुगर मिल से 11,28,000 रुपए का प्रॉफिट मिला जबकि चौधरी शुगर मिल उस वक्त 13,11,00,000 से ज्यादा रुपए के नुकसान में जा रही थी। नैब जरा ये कहते हैं कि अस्मा नवाज की जानिब से जमा कराई गई टैक्स रिटर्न भी मशकूक है, उनके असासों में इजाफा हुआ जबकि उनका जराए आमदन कुछ नहीं था। अस्मा नवाज के असास 1992 में 14,70,000 रुपए थे जबकि 1993 में उनके असासों की मालियत 3,15,50,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी।
तो ये नैब ने एक और केस बिल्ड करने की कोशिश की है उस तरीहों में जब असमा नवाज यानी 14-15 लाख तो उसके पास हो गए जब वो बच्ची थी और उसके अलावा उनके इनहेरिटेंस में उनको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिली, लेकिन नैब ने इस पर भी उनको इंटरोगेशन में शामिल कर लिया और भी चौधरी शुगर मिल से प्रॉफिट के हवाले से। इसके अलावा एक बड़ा अहम केस लगा जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या हमें नहीं मालूम हुकूमती अकाउंट्स में क्या होता है। उन्होंने एक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि 7 करोड़ की खुर्द का केस है जबकि 7 अरब भी इधर हो जाते हैं तो पता नहीं चलता। अब ये कहते हैं कि इंसानी गलती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने महकमा तालीम सिंध का केस उसमें रिमार्क्स दिए हैं। इस केस में 7 करोड़ से जायद की खुर्द के जुर्म में सीनियर अकाउंटेंट ठट्ठा इरफान अहमद शेख को बरतरफ किया गया था, तो उन्होंने अपनी बरतरफी के खिलाफ अपील दायर की हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने की सरबराही में जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और 2 रुकनी बेंच था जिसे समाप्त की और इस बेंच ने साबिक सीनियर अकाउंटेंट की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुलजम के वकील ने कहा था कि मेरा मुक्कल महकमा तालीम में सीनियर अकाउंटेंट था और जिस आईडी से रकम मुंतकिल हुई वो उसके इस्तेमाल में नहीं थी और ये रकम की मुंतकिली जो है वो एक एरर है, तो इंक्वायरी में हकायक को नजरअंदाज किया गया, इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, तो उनके नौकरी पर बहाल किया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि 7 करोड़ तो मामूली चीज है या 7 अरब भी इधर उधर हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि जनाब किधर गए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तब्सों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तलाफ़ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।